एनर्जेटिक्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के टॉपिक को हम देख रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की, यानी वो रिएक्शन जो कि रोशनी की मौजूदगी में होते हैं फोटोसिंथेसिस में। आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के दूसरे हिस्से की, यानी कि वो रिएक्शंस जो कि रोशनी की मौजूदगी के बगैर भी हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, एक एटीपी बन रहा होता है और इसके अलावा एनएडीपीएच बन रहा होता है, और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल का जब ब्रेक डाउन होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो फिर एटमोसफेयर में चली जाती है। तो अब जो है हम उसके सेकेंड फेज़ के ऊपर क्योंकि आ गए हैं, और सेकेंड फेज़ था डार्क रिएक्शन यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का, जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब केल्विन साइकिल में क्या होगा कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वॉल्व होगी, और ये जो एनएडीपीएच यानी कि निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बना था और एडिनिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना था, ये दोनों इस्तेमाल होंगे। और इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, इसके रिजल्ट में हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा। केल्विन साइकिल जो इसको नाम दिया जाता है वो दिया जाता है एक साइंटिस्ट के नाम पे, जिनका नाम है मेल्विन केल्विन, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसकी डिटेल्स को डिस्कवर किया। और बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा होता है, इसके अंदर कार्बन फिक्सेशन होती है, कार्बन की रिडक्शन होती है और सिंथेसिस होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का या फिर शुगर मॉलिक्यूल का। ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा होता है, ये रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है, स्ट्रोमा जो कि क्लोरोप्लास्ट का हिस्सा है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। और हमने कहा कि इस रिएक्शन को रोशनी की ज़रूरत नहीं है, इट डज़ नॉट रिक्वायर लाइट। अच्छा, अब रोशनी जब इस्तेमाल नहीं होगी तो यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रहे होंगे उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी मिलती है एटीपी और एनएडीपीएच से, ठीक है। अब ये जो एटीपी मॉलिक्यूल और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल बना था लाइट रिएक्शन में, वो अब इस्तेमाल होगा डार्क रिएक्शन में या केल्विन साइकिल के अंदर। ओवरऑल अगर हम रिएक्शन की बात करें कि क्या रिएक्शन होता है, उसे भी हम देख लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन, अच्छा, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं और उनके रिएक्ट करने से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, इसके साथ साथ सिक्स मॉलिक्यूल्स चाहिए हमें NADPH के, ठीक है, और इसके साथ साथ हमें नाइन मॉलिक्यूल्स ATP के भी चाहिए। ये सब आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहली चीज़ तो हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है। इसको अगर हम इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर दें, ये इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसके अलावा हमारे पास ये जो NADPH है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADP में, और ये जो हमारे पास ATP है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ADP, ठीक है। तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो क्या होगा, हमारे पास सिक्स मॉलिक्यूल्स इसके थे, सिक्स ही इसके बन जाएंगे यहाँ पे, और नाइन हमारे पास ये है ADP। अच्छा, अब ये ADP बना, इसके साथ और क्या बनेगा, इसके साथ हमारे पास नाइन जो है वो ऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेंगे, ठीक है। ये आई छोटा सा हम लिख रहे हैं, इनऑर्गेनिक, सॉरी, नाइन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पे थ्री मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के भी बन रहे हैं। तो ये हमने देख लिया ओवरऑल रिएक्शन को जो कि केल्विन साइकिल के अंदर हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है और NADPH है, ATP है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास कुछ एंजाइम्स भी होंगे, ठीक है, इनकी मौजूदगी में कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं और उनसे बन क्या रहा है। यहाँ पे एक तो बाय प्रोडक्ट जो इसका वो होगा वो क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक प्रोडक्ट बेसिकली। और उसके बाय प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ADP है, NADP है और वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है जिसके अंदर हमने कहा कि ये जो रिएक्शन है बेसिकली कैटलाइज हो रहा है विद एंजाइम्स, और कार्बन जो है वो फिक्स हो जाता है यहाँ पे और रिड्यूस भी हो जाता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाता है, ये जो तमाम सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है इस पूरे के पूरे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं केल्विन साइकिल। और इस केल्विन साइकिल के बेसिकली तीन फेजेस होते हैं, या हम इसको थ्री पार्ट्स, थ्री ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। और वो थ्री फेजेस क्या हैं, पहला तो है कार्बन फिक्सेशन,
इसके बाद दूसरा है रिडक्शन और थर्ड फेज जो है वो है रीजेनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या है? ये है RUBP, जिसे हम कहते हैं राइबुलोस बायफॉस्फेट। ठीक है, तो ये तीन फेजेस हैं। वन बाय वन हम इन फेजेस को देखते जाते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या होता है। कार्बन फिक्सेशन को सबसे पहले हम देख लेते हैं। कार्बन फिक्सेशन का जो फेज़ है, इसके अंदर होता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इंटू ऑर्गेनिक मटीरियल। ऑर्गेनिक मटीरियल, और बेसिकली इस फेज़ में ये होता है कि थ्री मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, वो रिएक्ट करते हैं। और ओवरऑल जब केल्विन साइकिल कंप्लीट होने लगता है, तो क्या होता है कि वन मॉलिक्यूल बनता है कार्बोहाइड्रेट का। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि कार्बन फिक्सेशन में सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है एक 5 कार्बन शुगर के साथ, जिसे हम कहते हैं राइबुलोस बाय फॉस्फेट, जिसको हम RUBP भी कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 5 कार्बन शुगर के साथ रिएक्ट करेगा। अब एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है और 5 कार्बन इसके साथ हैं, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जो कि 6 कार्बन शुगर होता है। शुगर तो नहीं, हम इसे कहेंगे 6 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसे 6 कार्बन इंटरमीडिएट भी कहते हैं। और ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, एक एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा है, और वो एंजाइम कहलाता है राइबुलोस बायफॉस्फेट कार्बोक्सीलेज। इसको भी हम मेंशन कर देते हैं, राइबुलोस बायफॉस्फेट कार्बोक्सीलेज ये एंजाइम है जिसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है। और 6 कार्बन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट हम कह रहे हैं इसलिए क्योंकि ये फ़ौरन ही बनते साथ ही एक और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या मॉलिक्यूल है? ये जो 6 कार्बन इंटरमीडिएट है, ये टूट जाता है इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और वो क्या मॉलिक्यूल्स हैं? वो कहलाते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये जो रिएक्शन है, बेसिकली इसको हम यहाँ से यहाँ मोड़ देते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 3 कार्बन कंपाउंड जो कि कहलाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट को हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर इसको PGA भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया? 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो शुरू में एक इनऑर्गेनिक कार्बन था कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वो अब यहाँ पे आके एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, ये बेसिकली एक 3 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पर कार्बन जो है वो फिक्स हो चुका है। अगर हम एक साइकिल के अंदर साइकिल को ओवरऑल देख लें, तो ये क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें, तो अभी इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे अभी तक जितना भी हम देख चुके हैं, उसको अगर हम पढ़ने लगे, हमने देखा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो राइबुलोस बायफॉस्फेट, जिसे हमने कहा था रोबिस्को भी हम कहते हैं, रोबिस्को के साथ रिएक्ट करेगा, और हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो बन चुका है, और ये फर्स्ट फेज जो हमारा कार्बन फिक्सेशन का है, वो कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट फेज़ जो कि है रिडक्शन। रिडक्शन का फेज़ जो है वो वहीं से आगे कंटिन्यू हो जाएगा जहां हमने पिछला फेज़ ख़त्म किया है। और वहां पे क्या हुआ था? हमने देखा है कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो अब वही फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है यहां पे होगा शुरू में हमारे पास, जिसे हम PGA भी कहते हैं, PGA। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये कंबाइन करेगा विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करेगा, और हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि होगा 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ इस रिएक्शन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये PGA है, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, वो है बाय फॉस्फोग्लिसरेट 1,3। एक फर्स्ट कार्बन के साथ फॉस्फेट है, और एक थर्ड कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप है, इसलिए हम इसे कहते हैं 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट। ये तो एक स्टेप हो गया रिडक्शन का। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेकेंड फेज, जो कि बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन है। उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट है,
इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है जो कहलाता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसको हम मेंशन भी कर देते हैं। पहला हमने रिएक्शन देखा जो कि ये था। सेकेंड रिएक्शन जो कि इस फेज में हो रहा है वो क्या है? सेकेंड रिएक्शन है जिसमें हमारे पास 1,3-बाय-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होकर ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना रहा है। ये जो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है बेसिकली हमारे पास इसके 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। हम इसको G3P भी कहते हैं, ठीक है। G3P बन के हमारे पास, और कितने बने G3P? 6 G3P बन गए। ये जो यहाँ पे G3P प्रोड्यूस हुए हैं जिसे हम ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं, इनमें से एक ऐसा G3P है जिससे हमारे पास आगे जाके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। इनफैक्ट G3P ही एक वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि केल्विन साइकिल का आउटपुट है, ठीक है। केल्विन साइकिल के आउटपुट में हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो ये ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। और इसके बाद ये जो हमने कहा कि 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इन 6 में से होगा ये कि 5 मॉलिक्यूल जो हैं वो वापस साइकिल के अंदर चले जाएंगे और ओनली वन, सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाने के या ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के या सुक्रोज, स्टार्च, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्लांट की फूड होगी वो उसके बनाने में हेल्पफुल होगा। तो हम कहते हैं कि ओनली वन मॉलिक्यूल लीव्स द साइकिल। और लीव करने के बाद वो जाता कहाँ है? वो यूज़ हो जाता है प्लांट से, प्लांट्स को यूज़ कर लेता है, यूज्ड बाय प्लांट। और किन चीज़ों में? हमने कहा कि वो उसकी फूड बनाने के लिए, यानी कि उस फूड के अंदर ग्लूकोज भी हो सकती है, सुक्रोज हो सकते हैं या स्टार्च हो सकते हैं, या फिर कोई और फॉर्म हो सकती है कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये तो एक मॉलिक्यूल वहाँ चला गया। अब बाकी के जो 5 मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे हमारे पास, वो 5 मॉलिक्यूल जो हैं G3P के, वो रिसाइकिल हो जाएंगे। रिसाइकिल, रिसाइकिल का क्या मतलब है? कि वो वापस अपने साइकिल के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे अगर हम इसको इस फिगर के अंदर देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन फेज को हम देख रहे हैं और हमने कहा कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो पहले कन्वर्ट होता है 1,3-बाय-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, और 1,3-बाय-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो मज़ीद आगे जाके रिड्यूस होता है इंटू ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, हमने कहा कि यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स बनने हैं और इन 6 में से एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आ जाता है और बाकी मॉलिक्यूल जो हैं 5 मॉलिक्यूल्स वो वापस साइकिल के अंदर चले जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखने की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो ये है कि हमने बात की थी हमारे पास इन रिएक्शंस के अंदर ATP यूज़ होगा और NADPH यूज़ होगा, तो वो कहाँ पे यूज़ होगा? यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया था, ठीक है। इसी तरह हमने कहा था कि 1,3-बाय-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इट मीन्स कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं? वो बेसिकली आ रहे हैं NADPH से, ठीक है। और यहाँ पर ये जो फॉस्फेट आया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये कहाँ से आया है? ये आया है ATP से। ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इंटू ADP, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट्स रह जाएंगे और एक अकेला फॉस्फेट जो यहाँ पे अलग हो जाएंगे। ATP का मतलब होता है ना एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट्स, में 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, तो 3 में से 2 अलग हो जाएंगे और एक फॉस्फेट जो है इनऑर्गेनिक फॉर्म में अलग हो जाएगा, और वो कहाँ होगा? वो यहाँ पे आके फिर यूज़ हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास मॉलिक्यूल है NADPH का, ठीक है, NADPH जो है ये टूटेगा और हमारे पास बनेगा NADP पॉजिटिव, और हमारे पास H जो है वो अलग हो जाएगा, बेसिकली इस H के साथ फॉस्फेट ग्रुप पे होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या करेगा? वो यूज़ हो जाएगा इस रिएक्शन के अंदर। तो 6 मॉलिक्यूल्स ATP के यहाँ पे यूज़ हो गए और 6 मॉलिक्यूल जो हैं वो NADPH के यहाँ पे इस्तेमाल हो गए। तो ये हमने देख लिया क्या? ये हमने देख लिया रिडक्शन को। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड फेज़ के ऊपर, और थर्ड फेज़ क्या था? थर्ड फेज़ था हमारे पास रीजेनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर था क्या बेसिकली? हमने कहा था कि राइबुलोज बायफॉस्फेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, तो इसकी रीजेनरेशन होगी हमारे पास इस स्टेप में। और होगा क्या बेसिकली? हमने कहा था कि जो पिछले पिछले सीरीज ऑफ रिएक्शन है वो जहाँ पे एंड होगा नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी कि G3P प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। और कितने मॉलिक्यूल्स? 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे, उनमें से एक जो है वो कन्वर्ट हो गया इंटू कार्बोहाइड्रेट, और बाकी ये जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं वो हमने कहा था कि वो रिएक्शन में वापस आ जाएंगे या रिसाइकिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास यही 5 मॉलिक्यूल्स हैं G3P के। वी हैव 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट
और ये फाइव मॉलिक्यूल जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फाइव कार्बन राइबुलोस फॉस्फेट, ठीक है, आर यू पी से हम इसको डिनोट करते हैं। और ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे हमारे पास क्या था कि फाइव मॉलिक्यूल्स थे जो कि थ्री कार्बन मॉलिक्यूल के थे। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास फाइव कार्बन मॉलिक्यूल है और उसके टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, थ्री मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। तो ये बन गया हमारे पास राइबुलोस फॉस्फेट। अब ये जो राइबुलोस फॉस्फेट है, यहाँ पे एक और रिएक्शन होगा जिसे हम कहते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी होगा, और एटीपी के टूटने से हमारे पास एक तो एडीपी बनेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, और ये वाला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन जो कि होगा राइबुलोस फॉस्फेट का आर यू पी प्लस, इसके साथ हमारे पास ये वाला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ हो जाएगा और क्या बनेगा हमारे पास आर यू पी पी राइबुलोस बाई फॉस्फेट, ठीक है। तो थ्री थ्री मॉलिक्यूल्स बने यूज़ हुए हैं, हमारे पास थ्री मॉलिक्यूल्स बन गए हैं राइबुलोस बाय फॉस्फेट के। और ये जो स्टेप है इसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन, जिसमें फॉस्फेट टूट के यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉस्फोरिलेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइबुलोस बाय फॉस्फेट बन गया, और जब हमने ये सारे रिएक्शन शुरू किए थे तो वहाँ पे भी हमारे पास एक चीज़ थी जिसे हमने कहा था राइबुलोस बाय फॉस्फेट, जो कि रिएक्ट करता है शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो बेसिकली ये एक साइकिल है जो कि कंटिन्यू करता जाता है। अगर हम इसको अपने फिगर के अंदर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिखाया गया है कि जब हमारे पास जी थ्री पी था या ग्लिसरेल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट था, वो डिफरेंट सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजर गुजर के हमारे पास राइबुलोस फॉस्फेट बनाता है, ठीक है। और राइबुलोस फॉस्फेट से फिर हमारे पास राइबुलोस बाय फॉस्फेट, यानी कि राइबुलोस 1,5-bisphosphate भी हम इसे कहते हैं, एटीपी से फॉस्फेट जब इसके अंदर ऐड हो गया तो ये हमारे पास बन गया रूबिस्को, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ना राइबुलोस 1,5-bisphosphate, इसको हम रूबिस्को भी कहते हैं। रूबिस्को जो है वो फिर अब वापस आके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएगा, और फिर ये साइकिल जो है वो रन होता रहेगा, ये साइकिल इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। एक और इमेज था मेरे पास बहुत अच्छा, जिससे हम इस पूरे साइकिल को एक दफ़ा रिवाइज़ कर सकेंगे। अच्छा, तो अब हम इस साइकिल को देखते जाते हैं, हम रिवाइज़ करते जाते हैं। शुरू से लेके अभी तक हमने जो तीन साइकिल्स पढ़े, तीन बेसिक फेजेस पढ़े हैं, तो फर्स्ट फेज था कार्बन फिक्सेशन का, और उसमें हमने कहा था कि हमारे पास कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से एंटर होती है केल्विन साइकिल के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास रूबिस्को पाया जाता है, और रूबिस्को के साथ जब वो कंबाइन कर लेते हैं तो क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं थ्री फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। एक इंटरमीडिएट, सबसे पहले तो एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, वो सिक्स कार्बन कंपाउंड होता है, और वो जो सिक्स, अब यहाँ पे आपको ये जो गोल गोल दायरे दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, ये कार्बन है, ठीक है, और इसके साइड पे आप देख सकते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप्स है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो थ्री कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए हैं, और यहाँ पे ये जो गोल गोल दायरे हैं ये भी कार्बन है, ठीक है, और इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप है। इसके बाद क्या होगा कि एटीपी से मज़ीद हमें कुछ फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिलेगा, और वो फॉस्फेट यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चेन के एक साइड पे फॉस्फेट है, नेक्स्ट इस वाले प्रोडक्ट में क्या हो रहा है कि इसके दोनों साइड पे फॉस्फेट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, थ्री कार्बन हैं दरमियान में, और एक साइड पे भी फॉस्फेट, दूसरे साइड पे भी फॉस्फेट, तो ये क्या बन गया, 1,3-bisphosphoglycerate। अब ये जो 1,3-bisphosphoglycerate है ये मज़ीद रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होकर क्या बनेगा, ग्लिसरल एल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट। तो ये क्या, ये स्टेप क्या है, ये कहलाता है रिडक्शन। अब ये जो ग्लिसरल एल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट बना है, ये कितने बने हमारे पास, सिक्स मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है, और ये क्या है, थ्री कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो थ्री कार्बन कंपाउंड हमारे पास बना है, इसमें से एक जो सिक्स बेसिकली मॉलिक्यूल्स, इनमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो साइकिल से बाहर आ जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोहाइड्रेट या कोई भी ऐसी फॉर्म जो कि प्लांट की रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद जो बाकी के फाइव मॉलिक्यूल्स हैं वो आप देख सकते हैं कि वो आगे आ गए, ठीक है। तो ये जो जी थ्री पी यहाँ पे बना था ग्लिसरेल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट, वो आगे आ गया, फाइव मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आके फिर मज़ीद कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं, डिफरेंट तरह के रिएक्शंस हैं, जिनमें होता यह है कि ये जो जी थ्री पी है ये अपने आप को रीअरेंज करता है इनटू राइबुलोस फॉस्फेट, ठीक है। पहले राइबुलोस फॉस्फेट बनता है हमारे पास, और राइबुलोस फॉस्फेट से मज़ीद एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास एक और प्रोडक्ट बन रहा है जो कि है राइबुलोस बाय फॉस्फेट, यानी कि दोनों साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच्ड है, और ये जो राइबुलोस बाय फॉस्फेट है वो फिर आगे जाके इसी साइकिल के अंदर कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ओवरऑल केल्विन साइकिल, और केल्विन साइकिल किस चीज़ का पार्ट है, हमने कहा था कि ये है डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कि रोशनी के बगैर भी हो जाते हैं।
तो यहाँ आके हमारा फोटोसिंथेसिस का जो एक टॉपिक चल रहा था वो एंड हो जाता है। इसको अगर आप इस छोटी सी जो डायग्राम है इसके अंदर आप देख लें, हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो दो मेजर स्टेप्स पे मुश्तमिल है, और उसमें क्या है, एक लाइट रिएक्शंस हैं और कुछ डार्क रिएक्शंस हैं। लाइट रिएक्शन में हमने देखा था कि ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई थी, इसके अलावा एटीपी प्रोड्यूस हुआ था, एनएडीपीएच प्रोड्यूस हुआ था। और उसके बाद आज के जो लेक्चर, इसके अंदर हमने केल्विन साइकिल को देखा। केल्विन साइकिल में हमने देखा कि एटीपी और एनएडीपीएच जो है वो यूज़ होते हैं, और एडीपी और एनएडीपी पॉजिटिव ये एज अ प्रोडक्ट बनते हैं। और इसके अलावा जो मेजर प्रोडक्ट है वो उसका क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर। और इसमें इन्वॉल्व क्या हो रहा है या यूज़ क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है जी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।